बोर्ड की जो संपत्ति है उनको लूटने का काम हो रहा है, लूटी ही जाती है हमेशा। हाँ। ना मिले दीन और ना मिले मारे, और गए ऐसी तैसी में पाड़े। अंगूठे की वैल्यू है केजरीवाल की, और ये मुसलमान जो है ना इनकी वैल्यू हुई है। ये निराधार है, किसी काम नहीं आती, सिर्फ एक ही जगह काम आती है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। केजरीवाल का सबसे बड़ा पाप है ये उरस कैंप लगाता है और किसी मुसलमान को उसका चेयरमैन बना देता है। वो क्या होता है, 4 करोड़ रुपए हमारे पानी में जाते हैं कि हम तो इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। गैर मुस्लिम हमारे सनातनी धर्म के लोग वो ये कहते हैं मंदिरों को भी मिलनी चाहिए, इसके 4 तनख्वाह देने से क्या होगा, और हम बदनामी क्यों सहन करें। केजरीवाल को मैंने लालबाग की झुग्गियों में घुमाया है, मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ। जब मैंने इसकी पहचान प्राप्त कर ली, इसकी हरकतें देखी, मैंने छोड़ दिया। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, जिस तरीके से लगातार जो दूसरा विपक्ष की मैं बात करने के लिए कहना ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो सरकार सत्ता में है वो लगातार जिस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट करती है, मैं नहीं कह रही हूँ, लगातार ऐसे हादसे हो ही रहे हैं उनके साथ और आप लोगों ने भी देखा है, तो वही जो इमाम साहब हैं और इमामों के साथ जिस तरीके से लगातार उनकी तनख्वाह को लेकर, जिस तरीके से मस्जिदों में उनकी तनख्वाह को लेकर बोला जाता है दूसरे जो सत्ता वर्ग है उनके द्वारा कि भाई इमाम साहब बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहे हैं, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है और इस तरीके से उन इमाम साहबों को लगातार सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन यहाँ पर माजरा जो है वो कुछ और ही है। अभी इन्हीं से हम जानते हैं, हमारे साथ हैं अनीस अंसारी साहब जी, तो उनसे ही बात करते हैं। तो किस तरीके से इमामों के साथ जो हो रहा है तो वो किस तरीके से आप बताना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ का हुमर फैलता है। भाई किसी आदमी ने कह दिया मैंने 200 रुपये दिए, 500 रुपये दिए इसको, उसने लिए बेचारे नहीं अपने जेब में रख लिया, एक सरे सरार रुसवा किया जाए कि हम तो इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। गैर मुस्लिम हमारे सनातनी धर्म के लोग वो ये कहते हैं मंदिरों को भी मिलनी चाहिए। भाई सही बात है, माकूल बात है। अब कल को सरदार जी भी कहने लग जाए, ईसाई भी कहने लग जाए, या कोई और समाज खड़ा हो जाए। भाई जहाँ स्कूल के एजुकेशन का सवाल है तो इमाम सिर्फ रहनुमाई मुसलमानों की नहीं करता, वो तालीम पे भी करता है। तो इमाम को अफोर्ड मोहल्ला कर सकता है जो पहले करता आया था, इसके 4 तनख्वाह देने से क्या होगा और हम बदनामी क्यों सहन करें। तो पता ये चला कि जो ये तनख्वाह आ भी नहीं रही है और हम लोग बदनाम भी हैं। और तनख्वाह कब आती है, जब चुनाव का समय होता है। अब निगम के चुनाव जब पता नहीं कब होंगे, अल्लाह पाक कराएगा। और जिस तरह से इसके मंत्री जेलों में जा रहे हैं या जाने के कगार पे, एक दिन ये सरकार खत्म हो जाएगी इन्हीं इमामों के हमारी बदवाओं से, यही तो होगा। तो ये तनख्वाह खत्म हो जाए, मैंने अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि आप दिल्ली सरकार के अधीन आने वाला जो बब बोर्ड है इसको आप अपने अधीन ले लो। अरे वहाँ जाके दे दो। अच्छा, ये मैं जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से इमामों को तनख्वाह मिल रही है, कहा जाता तनख्वाह मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है, लेकिन जो हमारे केजरीवाल साहब है, सीएम साहब हैं, वो लगातार इसी तरीके की बातें करते हैं कि भाई हम सबको साथ लेके चलते हैं, और वो तो बदनाम भी है मुस्लिमों को लेकर कि भाई केजरीवाल जो है मुस्लिमों का पक्ष रखते हैं। आप ये बताओ वो किस किस का पैसा खाएगा या उसके विधायक क्या क्या खाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी का जनक हूँ, मैंने अन्ना आंदोलन में भाग लिया है, केजरीवाल को मैंने लालबाग की झुग्गियों में घुमाया है, मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ। जब मैंने इसकी पहचान प्राप्त कर ली, इसकी हरकतें देखी, मैंने छोड़ दिया। ऐसी कोई भी आदमी जब कुछ करता ही नहीं है, अगर वो बब बोर्ड का कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ पे गया, हमारा बब बोर्ड का पैसा कहाँ है। ये सार्वजनिक तौर से आके अमानतुल्ला का है, केजरीवाल का है कि ये पैसा जाता कहाँ है, इनकम और सोर्सेज क्या है। और जितनी भी अब अगर केंद्र सरकार के अधीन ये आ जाएगा तो जितने भी बब बोर्ड की संपत्तियां हैं ये लीज पे नहीं दी जा सकती क्या, इससे मुसलमानों का भला नहीं होगा। या भाई इसको लीज पे दो, 99 साल के लोग तुमने बैठा दिए मजारों पे, मस्जिदों पे, बब बोर्ड की संपत्तियों पे, तो इसे केंद्र सरकार अपने अधीन ले। हम तो कह रहे हैं स्कूल बना, प्लेटफार्म की जगह चाहिए तो रेलवे प्लेटफार्म बना, और कहीं मॉल बनाने का मॉल बना, उसकी आय तो आए कम से कम कुछ ना कुछ। ये 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 कौन सी, ये क्या गलत बात है।
और बब बोर्ड की संपत्तियों को निरंतर लूटा जा रहा है। आया कोई नहीं है इसे बचाने के लिए। अमानतुल्ला ने ऐसा काम करके दिखाया कि जो 54 रुपए 50 रुपए 60 रुपए दिया करते थे किराया, उसमें उसने इजाफा किया आज के हिसाब से। तो लोग मुसलमान ही पहुंच गए उसके खिलाफ कोर्ट में कि हम नहीं देंगे। उनके बाप की बबूती है। केंद्र के सरकार के अधीन जब दिल्ली का पूरा क्षेत्र आता है और इस पर अंकुश केंद्र सरकार का है, असली मालिक ये अलजी साहब है और गृह मंत्रालय इसको डायरेक्ट देखता है, तो अल्लाह के बंदो ये आखिर क्यों नहीं आ सकता? ये बब बोर्ड की संपत्तियां क्यों नहीं आ सकती केंद्र के अधीन? ये क्यों नहीं कह रहे? तो बब बोर्ड की जो संपत्ति है उनको लूटने का काम हो रहा है। लूटी ही जाती है हमेशा। हाँ। लूटी ही जाती है। हाँ। मेरा अपना अजीज है कोई, मैं चेयरमैन हूँ। हाँ। मैंने ही 99 साल के लिए जमीनों पर कितनी तो अवैध बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ हाँ। और जिसको छुड़ाने का काम अमानतुल्ला ने कई जगह केस डाला भाई। एक ही पहलू में नहीं बताना चाहिए। हाँ। हमेशा जिसने अच्छा काम किया हो, अगर आप उसको छुपा रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। उसने बड़ी बड़ी जगहों पे जो लोगों ने कब्जे कर रखे थे, अपने बब बोर्ड के वकील खड़े करके उसने छुड़ाने का काम किया है, मगर ऊपर तो बैठा हुआ केजरीवाल है ना, वो अकेला क्या करेगा? वो और एलजी जो है उसके पास ये जाएगा नहीं, हमारे तो ले जाएगा नहीं, क्योंकि द पार्ट ऑफ केजरीवाल है वो। आगे आने वाले कल में उसको फिर दोबारा ओखला का विधायक बनने का है। अगर उसके विरुद्ध जाएगा, ये जितने जो 300 करोड़ 500 करोड़ 250 करोड़ की बात चल रही है, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता आज से 10 साल पहले था, आज वो कम से कम करोड़पति तो छोड़ो अरबपति बन गए। एक शराब के ठेके को का मामला सिर्फ उठा है। अगर आंगनवाड़ी का कोई मुझसे कोई पूछे कि ये जो बाउंसर इकट्ठे हुए हैं वो किस लिए हुए हैं, मुझसे कोई पूछे कि ये आखिर इसके बनाए हुए जो पॉइंट हैं वहाँ पे लूट कैसे होती है, एमसीडी जो है वो बीजेपी के उसमें है तीनों जोन, उसको एक करने का नाम बात हो रही है, एक मेयर रहेगा बढ़िया रहेगा। ये शीला दीक्षित जी ने 3 जगह बांट दी थी कि कभी अगर वो दूरगामी सोच रखती थी, उसके क्या करे हुए अच्छे काम थे, कभी किसी से बुरा भी हो जाता है, उसने ये भी बुरा किया था। मगर केंद्र में तो आज के टाइम में पूरी मेजोरिटी है। संसद के अंदर एक सीधा एक पॉइंट बने, एक अध्यादेश लागू हो कि जितनी बब बोर्ड की दिल्ली की संपत्ति है वो सारे की सारी केंद्र सरकार अपने अधीन ले, बात खत्म। ये ज्ञापन अभी सौंप दिया है आप लोगों ने? हमने अभी दे दिया है केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग को और एलजी साहब के हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जिस तरीके से इमाम साहबों के साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी हो रही है, चंदा के नाम पे चंदा जो मिलता था वो बंद हो गया क्योंकि बोल दिया गया इनको तनख्वाह मिल रही है। हाँ। तो अब इनका गुजर बसर किस तरीके से चल रहा है? इसमें जो है ना, ये आपका बहुत माकूल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने आपकी सोच अच्छी है। हकीकत यह है कि कई इमामों की 12-12 14-14 महीने की कोरोना काल से तनख्वाह रुकी हुई है और इमामों को मस्जिदों से भेज भी दिया गया था, यह हकीकत है। एक इमाम जिसको 12,000 14,000 10,000 रुपए मिलते हैं, हैं, और वो भी उसको ना मिले, और बेचारा दूर दराज बिहार का यूपी का कहीं का रहने वाला है, वो उसका गुजारा कैसे चलेगा? तो आवाम को अब हम इसके माध्यम से आपकी ये की हुई मेहनत अल्लाह की रहमत से ये कामयाब होगी और हमारी बात आवाम तक पहुँचेगी। अभी तक तो ये कह रहे थे हिंदू हमारे भाई सनातन धर्म वाले कि जी इमामों को तनख्वाह बंद हो। मैं कह रहा हूँ वो मुझे बुलाएं, मैं भी टोपी लगा के उनके साथ खड़ा हूँगा। हम तो कह रहे हैं ना मिले दीन और ना मिले माड़े और गए ऐसी तैसी में पाड़े। मुझे बताओ हमको मिला क्या है भाई? हमको किसी पुरोहित को दिया, तुमने कुछ नहीं कथा करा ली और वो बदनाम भी हो गया कि भोजन खा के गया है या इतने ले गए उतने ले गए। इमाम की इनकम ऑफ सोर्सेस है क्या? दिल्ली का कोई भी इमाम जादू टोना नहीं करता है। केजरीवाल का सबसे बड़ा पाप है ये उरस कैंप लगाता है और किसी मुसलमान को उसका चेयरमैन बना देता है। वो क्या होता है, 4 करोड़ रुपए हमारे पानी में जाते हैं। वही मुसलमान जो अजमेर जा रहे हैं पिट रहे हैं, जहाँ पे इनके साथ बदतमीजी हो रही है, तू उनको और प्रोत्साहन दे रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। अरे यही पैसा एजुकेशन में लगा ना तूने, तीर्थ यात्रियों के लिए बस। एजुकेशन पे तो काम कर ही रहा है केजरीवाल सरकार, शराब पे नहीं कर रहे। एजुकेशन हमारे लिए, शराब किसके लिए? हमारे आवाम के बच्चों के लिए। जो आदमी एक दिन में एक हफ्ते में एक पगुआ पीता था, जो आदमी एक महीने में
एक बोतल पीता था, आज के टाइम में एक अभी अभी तो बंद हुई है दो तीन दिन से, वो एक के साथ में एक फ्री थी। तो पहले 70 साल का व्यक्ति 7 दिन में शराब पी के 70 साल जीता था, अब 17 साल का बच्चा रोज एक के साथ एक फ्री पी रहा था। इसके हॉस्पिटलों को जाना हो, स्कूलों में जाना हो, तो पढ़ा लिखा बच्चा उसके साथ में स्कूलों के शराब के ठेके कर दिए गए सर, इस चीज को बंद कर दिया गया। हाँ कुछ ठेके, हाँ फ्री जो जी जी लोगों ने अगर डबल होगी तो बंद कर जाए पीना सर उन्होंने क्या? नहीं सर ये आप इस पे ना है, आप ये बोले कि जो आदमी, मेरे पॉइंट को समझे, जो आदमी एक हफ्ते में एक पगुआ पीता था उसको मिल गया एक के साथ में एक फ्री, अब उसके 2 दिन बन गए। जिसको एक बोतल मिलती थी 1 महीने चलाता था पैक पटियाला बना के या लबली लबली, और उसे मिल गया पूरा खम्मा, तो भाई वो फिर पूरे 7 दिन काम क्यों करेगा? तो उसी लिए वो आदमी हॉस्पिटल जाएगा, दिल्ली के बनाए हुए बेहतरीन हॉस्पिटल में वहां जाएगा, तब हॉस्पिटल की पहचान होगी। अच्छा भला स्वस्थ आदमी क्यों जाएगा? पढ़ा लिखा तो जाएगा, पी के जाएगा कि जी फेफड़ा खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, किडनी में इन्फेक्शन है। केजरीवाल साहब ने नई ये मधुशालाएं करी थी, तो उसके पहले भी तो लोग पी रहे थे, इतना लोग पीते थे। मेरे बेटा पत्रकार पिटिया, मेरी बच्ची, मैंने तेरी बात को माना। मैंने एक रोटी, किसी आदमी ने कहा कि भंडारा है और आपको 4 पूड़ी मिलेंगी, तो पता ये चला उसने कहा भाई साहब और चाहत रखते हो? बोला हाँ जी, थोड़ा छोले और 2 पूड़ी और दे दो, यही तो होगा। अब तुम एक पौवे के साथ में एक पौवा फ्री, एक बोतल के साथ में एक फ्री, तो भैया को भी बुलाएगा, वो बहनोई को भी बुलाएगा, दोस्त को भी बुलाएगा, आओ किटी पार्टी करेंगे। मुर्गा तू लिया तो मुर्गा एक के साथ में फ्री एक नहीं है, वो आधी किलो चखना लाएगा और दोनों पियेंगे, लमलेट होके सोएंगे, घर में बीवी मारेगी पीटेगी, गली में चोरी होंगी। ये अपराध को बढ़ावा देना है, एक का मतलब एक फ्री ये है। तो अभी आपका जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हो रहा है? खिलाफ नहीं है, नहीं अमानतुल्लाह के खिलाफ मैं नहीं हूँ। उसके किए हुए कामों को मैं सराहता हूँ, उसके सारे डिसीजन बहुत अच्छे थे। कोताहियां किसी से हो जाती हैं, मगर जिसके अधीन वो काम करता है, मैं ये 5 उंगली है, इस 5 उंगली द पार्ट ऑफ बॉडी है, हैं? तो ये इसके अंगूठे की वैल्यू है केजरीवाल की, और ये मुसलमान जो है ना इनकी वैल्यू ही है। ये निराधार है, किसी काम नहीं आती, सिर्फ एक ही जगह काम आती है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, ये सिर्फ धोने के काम आती है और किसी काम नहीं आती है। 5 मुसलमान जो है बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल बेईमान और बिल्कुल जमीन से गिरे हुए लोग हैं। अमानतुल्लाह ने अच्छा काम किया था, उस पर अंकुश लगाया केजरीवाल ने। अब क्या चाहते हैं, अब ये बताइए। केंद्र सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, अल्पसंख्यक आयोग को, कि ये जितनी भी दिल्ली की संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, इसको दिल्ली की वक्फ बोर्ड को भंग करके और सीधा अपने अधीन ले लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने अनीस साहब से बात की कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, संपत्ति है, उसको किस तरीके से सरकार अपने अधीन करके उस पर अवैध कब्जा करके और किस तरीके से इमारतें और मॉल खड़ी कर देते हैं, तो उसी चीज़ की ये पे यहाँ पर इन्होंने बात की है। और लगातार जिस तरीके से इमामों को ठगा जा रहा है, इमाम जो हैं मस्जिदों में बैठते हैं, उनको तनख्वाह के नाम पर बोला जाता है कि उन्हें तनख्वाह मिल रही है, और चंदा के नाम पर जो चंदा दिया जाता था लोगों द्वारा, अब वो भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इमाम साहबों को जो है तनख्वाह मिल रही है। लेकिन अब जो है वहाँ तनख्वाह भी जो है उनकी बंद कर दी गई है, और लगातार जो इमाम साहब हैं वो ठगे जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो अभी इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ रहेगा उसी पे इनसे हम जानते भी रहेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर।